जैसे कि आप जानते हैं मैं एक लेखक हूं, अक्सर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग एकदम ठप हो जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं सोचता। इसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। मेरे साथ जब भी ऐसा होता है मैं समंदर के किनारे घूमने निकल जाता हूं। दूसरे लेखक भी ऐसा ही करते होंगे, जैसे कि आइए देखते हैं। यूं ही हवा खाने निकला। मेरे जैसे लेखक के लिए ये जगह बहुत ही प्यारी है। समंदर का किनारा, ठंडी ठंडी हवा, पूर्ण एकांत, दूर दूर तक कोई नहीं, कितनी शांति है। बेचारी डूब रही है, इसे मैं कैसे बचाऊं? मुझे तैरना तो आता नहीं। पर कोई है? कोई है? उफ, दूर दूर तक कोई नहीं। कितनी भयानक जगह है ये, क्या करूं? पूरा सी लिख, बहुत अच्छा करता लिख।
यूं ही जरा हवा खाने निकला हूं। मजा आ गया। उस शाम उस पगली से मिलने के बाद मैंने उधर एकांत में जाने ही छोड़ दिया। मेरे जैसे लेखक के लिए ये जगह ज्यादा अच्छी। तो देखिए सभ्यता और प्रगति के ये दृश्य कितने प्यारे लगते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, झिलमिलाती रोशनी और इधर से उधर आते जाते ये बोट्स। ऐसे ही किसी दृश्य को देखकर किसी शायर ने कहा होगा, ये हवा सागर ये हल्की चांदनी, जी में आता है यही मर जाइए। लेकिन मुझे मरने मरने की बातें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि मैं कवि नहीं हूं, कहानीकार हूं। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी किसी नई कहानी का प्लॉट सोचूं। लेकिन अभी कुछ सूझ नहीं रहा। ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, अक्सर दिमाग में सैकड़ों विचार बुलबुलाते रहते हैं, लेकिन आज की रात दिमाग खाली। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पेशे से जुड़े सभी लोगों के साथ देर सवेर ऐसा होता है। राइटर्स ब्लॉक कहते हैं इसे। अपने आप आता है और अपने आप चला भी जाता है। ये भी अपने आप चला जाएगा। एक मिनट, एक आइडिया आ रहा है। नहीं, अच्छा नहीं, बहुत खराब। न सिर्फ खराब है बल्कि मैं इसे इस्तेमाल भी कर चुका हूँ। लिखने के बाद तो और ज्यादा घटिया साबित। हे ईश्वर, कुछ मदद कर मेरी। अच्छा रहने दे, रहने दे। ये तो सरासर मतलबीपन है कि अपने कहानी के प्लॉट के लिए मैं भगवान को परेशान करूं। अच्छा भगवान, क्षमा करना, मैं घर जाकर सोने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कल तो हमेशा आता ही है। लेकिन हाँ, अगर रात के दौरान तुझे कुछ सूझ जाए तो मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। आइडिया छोटा हो तो भी चलेगा, मौलिक ना भी हो तो भी चलेगा। जोड़ तोड़ करने में बहुत माहिर हूं मैं। मेरी वहशत कहां पहुंच गई है कि मैं भगवान को भी चोरी चकारी में घसीट रहा हूं। नहीं नहीं, अब मुझे वापस घर जाकर सोना चाहिए, वरना मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। सर, मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूं? कौन है वहां? मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। इवनिंग सर। सर, मैंने आपको इसलिए आवाज दी क्योंकि आप यहाँ इतनी रात में अंधेरे में अकेले घूम रहे हैं। कुछ मजा लेने का इरादा है सर? माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। मजा लेने का मतलब मस्ती का इरादा सर, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, समझ रहे हैं सर मेरा मतलब क्या है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ, और मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। जाइए सर। तुम्हें पता होना चाहिए कि शरीफ लोगों से इस तरह की बात की जानी चाहिए या नहीं। सर, ऐसी चीज आपको जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगी। Once in a lifetime, sir. सर, अब भी आपको जिज्ञासा नहीं हुई? जिज्ञासा मेरे पेशे की प्रकृति है, लेकिन मैं इसे नैतिक रूप से ऊंचाई रखना पसंद करता हूँ, समझे? इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बस आप शायद ठीक कह रहे हैं सर, ये सब देख लो शायद आपके बस की बात है भी नहीं, क्योंकि आप जैसे शरीफ लोगों की नैतिकता और संवेदना बहुत नाजुक होती है। एक मिनट, क्यों दिल में चुभ गई ना ये बात? मैं सिर्फ यूं ही पूछने के लिए पूछ रहा हूं कि जिस एंटरटेनमेंट की तुम बात कर रहे हो वो किस तरह का है, क्या है? एक मिनट सर, पहले आप ये बताइए कि आप एक डूबा हुआ आदमी देखना पसंद करेंगे? जी, क्या फरमाया आपने? डूबा हुआ आदमी, जिसके फेफड़ों में समंदर का खारा पानी भर गया हो, जो सांस लेने के लिए छटपटा रहा हो, ऐसा आदमी? बताइए सर, ऐसे आदमी को देखने के कितने पैसे देंगे आप? पैसे? पैसे दूंगा एक डूबे हुए आदमी को देखने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए? ऐसे आदमी को देख के मुझे क्या हासिल हो जाएगा? मैं क्यों दूंगा पैसे? तुम पागल हो क्या? भाग जाओ यहां से। नहीं सर, सिर्फ 50 रुपए, जस्ट 50 रुपीज। आपको सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे सर। और सर सोचिए, सोचिए उसके बदले में आपको क्या देखने को मिलेगा? वो आदमी सर, जो पानी में छलांग लगाने से पहले, डूबने से पहले की छटपटाहट,
लास्ट सीन भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी अभी जिंदा है, डूबा हुआ नहीं है, पानी से बाहर है, भला चंगा है? सिर्फ जिंदा और भला चंगा ही नहीं सर, अपनी सूखी हड्डी और फटे पुराने कपड़ों में आपके सामने खड़ा है। वो डूबा हुआ आदमी मैं हूँ सर। तुम अपने आप को डुबो देना चाहते हो 50 रुपए के लिए और मुझसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारी आत्महत्या देखने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा? तुम सचमुच बहुत भयानक पागल हो, तुमसे तो दूर ही रहना चाहिए। नहीं, सर, सर, एक मिनट, आप मेरी बात ठीक से समझे नहीं सर। सर क्या है कि मैं असल में थोड़ी डूबूंगा, मैं तो डूबने की सिर्फ एक्टिंग करूंगा। देख रहे ना सर, वो बर्फीला ठंडा पानी, मैं वहां छलांग लगाऊंगा और थोड़ी देर इधर उधर हाथ पांव मारूंगा, बार चिल्लाऊंगा मदद के लिए। धीरे से पानी के नीचे चला जाऊंगा, उसके बाद पीठ के बल तैरती हुई मेरी लाश ऊपर आएगी, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। आप अकेले हैं सर, इसलिए 50 रुपए ले रहा हूं, अगर ज्यादा लोग हो तो स्पेशल डिस्काउंट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच डूबने के नाटक के बॉक्स ऑफिस पर खड़ा टिकट के रेट सुन। सर असली बात तो आप समझ ही नहीं रहे हैं, इस नाटक में कोई घटिया और सस्ता रोमांच नहीं है सर। इस नाटक में आपको आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का भयंकर रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नाटक त्रासदी नहीं है, विडंबना है सर, विडंबना। क्योंकि इस नाटक में शुरू से आखिर तक एक पुट है सर, हास्य का पुट। हास्य का पुट? इसमें हास्य का पुट कहां से आएगा? मेरे गाल फूल जाएंगे, मेरी आंखें उबलकर बाहर निकलने लगेंगे और फिर मैं अपनी फटी फटी भयानक आवाज में मदद के लिए चिल्लाऊंगा। ऐसे, बिल्कुल वैसे ही सर जैसे गर्दन कटते वक्त सुअर चिल्लाता है। सर इस पूरे इलाके में, पूरे एरिया में सुअर की आवाज मुझसे अच्छी कोई नहीं सुन सकता। तुम ये उम्मीद करते हो कि मैं ऐसी सुअर जैसी चीख सुनने के लिए पैसे खर्च करूंगा? क्यों नहीं करेंगे सर, इस सीजन में सैकड़ों लोगों ने खर्च किए हैं सर। सर एक रात में मैं 20-20 शो करता हूँ, अगर आप चाहें तो डिनर शो के लिए आपके लिए एडवांस बुकिंग कर दूँ। डिनर शो मतलब? मतलब कि मैं पानी में कूदूंगा, थोड़ी देर यहाँ वहाँ हाथ पांव मारूंगा, उसके बाद आपके लिए बहुत बढ़िया सी मछली पकड़ के बाहर फेंक दूंगा, स्पेशल बोनस। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ खड़ा ये सारी बातें सुन क्यों रहा हूँ। सर प्लीज जो भी करना है जल्दी डिसाइड कीजिए। सर वो सामने वाला होटल है ना, वो होटल वाला थोड़ी देर में अपनी सारी गंदगी यहाँ फेंक देगा, उससे पानी गंदा हो जाएगा। सर गंदे पानी में कूदना मेरी शान के खिलाफ है। अरे लाओ सर तुम्हारी शान पे, डूबते आदमी की नकल करके पैसा कमाना तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं है। बहुत अच्छे सर, दूसरे के मर्म स्थल पर चोट करना तो आप खूब जानते हैं। क्रूर बात बोल गए आप। I'm sorry, तुम्हें ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मेरे पेशे में अच्छी चीजें भी हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर गए हैं। सर आपने कभी कोयले के खान में काम करते हुए उस आदमी को कभी देखा है? जब वो काम करके बाहर निकलता है, उसके नाक, उसके कान, उसकी आंखें, उसके मुंह, दांत, हर जगह कालिक और गंदगी भरी होती है, हर जगह कालिक और गंदगी। जिससे जाम कर लीजिए सर, जो दिन भर का काम करके जब घर लौटता है तो दूसरों के कटे हुए बाल उसके बदन पर चिपके हुए होते हैं, वही बाल उसकी सब्जी, उसकी रोटी, उसके चाय पानी में जाने कहां कहां जाते हैं, ऐसे कि जैसे उठाई आ जाए। या सर्जन, अस्पताल का वो सर्जन सर, उसके उसके हाथों की उंगलियां मरीजों के शरीर में कहां कहां। प्लीज बस करो। या फिर अस्तबल में काम करने वाला वो आदमी जो गोबर और लीज से सना होता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर कि किसी भी पेशे से जुड़े हर आदमी का गंदगी के साथ कभी ना कभी जरूर सबका पड़ता है, और मेरा सबका ये पानी तो साफ है, दूसरों को साफ करता है, शुद्ध करता है। मुझे काम खत्म करके घर जाके नहाना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले ही नहाया हुआ होता हूँ। आप अपने बारे में ये बात कह सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सफाई की आदतों की चर्चा करूंगा तुमसे? मेरा दिमाग खराब हो गया बच्चा। आप पछताएंगे सर, बहुत पछताएंगे, क्योंकि जिंदगी से बोर होकर आप एक दिन फिर यहां आएंगे किसी डूबते हुए आदमी को देखने के लिए। लेकिन तब मैं यहां नहीं मिलूंगा सर, मैं यहां से जा चुका हूंगा, क्योंकि मैं यहां सिर्फ एक ही हफ्ते हूं।
संडे को मैं छुट्टी करता हूँ, इसलिए सिर्फ 6 दिन, उसके बाद मैं चला जाऊंगा विदेश। हाँ एक ऑफिसर, अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें उसके साथ गिरफ्तार करवा दूंगा। इस जुर्म में मैं यहाँ वैश्यवृत्ति नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा शो बिजनेस है। पानी में डूब के पैसा कमाना शो बिजनेस नहीं होता है, समझे ऑफिसर? ऑफिसर अच्छा जा रहा हूँ मैं, अब तो इस धंधे में वो पहले वाली बात ही नहीं रही। क्या हुआ सर? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? उधर उन चट्टानों के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है जो मुझे बहुत देर से तंग कर रहा है। मेरा अंदाजा है कि वो आदमी पागल है। रात के वक्त इस इलाके में बहुत खतरनाक किस्म के लोग घुमा करते हैं सर, आप जैसे शरीफ आदमी को तो इधर आना ही नहीं चाहिए। वैसे किस बात के लिए परेशान कर रहा था वो? दरअसल वो आपको सुन के अजीब लगेगा कि वो मुझसे 50 रुपए मांग रहा था पानी में कूद कर डूबने के लिए। बोलिए, है ना अजीब बात? अजीब तो सरासर लूट है सर, 10 रुपए से ज्यादा तो कहीं रेट ही नहीं है। अरे आपको एक से एक डूबने वाला मिल जाएगा, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा आप किसी को मत दीजिएगा। बाप रे 50 रुपए, हिम्मत तो देखिए साले की। असल बात ये नहीं ऑफिसर, वो देखिए वो जेटी देख रहे हैं आप, वहाँ दो भाई रहते हैं, 15 रुपए में दोनों मिलकर डबल डूबना दिखाते हैं सर। देखिए सर, आप लोगों को इनके साथ जो डीलिंग करनी है वो सख्ती से करनी है, और उतना ही दीजिए जितना की रेट है। रेट और भाव की बात नहीं, 50 रुपए हद होती है। अभी 2 दिन पहले 30 रुपए में 14 आदमियों ने एक पूरी नाव डूबने का सीन दिखाया, 10 रुपए। मैं तो एक ढेला ज्यादा ना दूं, और आप भी मत दीजिएगा, अड़े रहिए अपने रेट पर। राइट सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। आ गया, आखिर आ ही गया वो दिन तो पूरी दुनिया पागल। सर मैंने देखा चला गया वो पुलिस वाला, उससे आपने क्या कहा? क्या कहा? वही कहा जो सच है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन बदकिस्मती से उसका दिमाग तुमसे भी ज्यादा खराब निकला। लेकिन आपने उससे मेरी कोई शिकायत नहीं की सर, इस बात का मुझे एहसास है, इसलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट आज से पहले किसी को नहीं दिया। 25 रुपए 25 रुपए डूबने के 25 रुपए मांगता है चोर डाकू लुटेरे, मैं 10 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। 10 रुपए डूबने के सिर्फ 10 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कहां से निकलेगा? 5 रुपए तो मेरे साबुन और तेल में खर्च हो जाते हैं, और 7 रुपए वो ले जाता है जो मुझे पानी से बाहर निकालता है, उसे पैसे कहां से दूंगा? अपनी जेब से। इससे तो अच्छा साहब कि मैं पानी से बाहर ही नहीं निकलूंगा, पूरी तरह वहीं डूब जाऊं। तुम कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ 10 रुपए लेना हो तो लो, नहीं तो भाग ना जाओ। बहुत जिद्दी है साहब आप, बहुत ही जिद्दी। अच्छा लाइए 10 रुपए दीजिए। भगवान से दुआ करूंगा कि मेरा बेटा इस धंधे में ना आए। 7 रुपए 8 रुपए ये नीचे का एक्शन बहुत बढ़िया दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ तो काफी अंधेरा है। अंधेरे की वजह से ही तो सीन डरावना दिखता है सर, और सीन जितना ज्यादा डरावना होगा उतना ज्यादा मजा आएगा, और वैसे भी सर असली सीन तो आखिर के 10 सेकंड में होता है। अच्छा अच्छा सर चलता हूँ। सर एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया। सर जब मैं छटपटाता हुआ तीसरी बार ऊपर आऊं तो आप अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से आवाज लगाइएगा, भटवड़ेकर। भटवड़ेकर सर, ये वो आदमी है जो पानी में कूदकर मुझे बचाता है, मुझे तैरना नहीं आता ना सर। मतलब तुम बजाय एक्टिंग करने के इतनी देर तक इसमें डूब रहे होगे? जी सर, तभी तो असली सस्पेंस का मजा आता है, और देखने वाले के पैसे वसूल हो जाते हैं। भटवड़ेकर हमेशा आखिरी पल तक इंतजार करता है, तभी वो खुद के मुझे पानी से बचाता है। अच्छा। सामने वाले ठेकर पर दारू पी रहा है। अच्छा। नाम याद रखिएगा सर, भटवड़ेकर, भूल मत जाइएगा। अच्छा सर, उम्मीद है आपको शो पसंद आएगा। अच्छा।
अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइएगा सर। जरूर जरूर। ठीक है सर, चलता हूँ। शाबाश, क्या अच्छी छलांग लगाई है। यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब कुछ नया एक्शन करो, कोई नया एक्शन करो। अरे ये नहीं यार, ये तो देख लिया, कोई नया वाला। जल्दी जल्दी, पूरी रात नहीं पड़ी है मेरे पास। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ए किधर गया, किधर चला गया ये? हाँ वो निकला। ये चलो, ये तुम तीसरी बार। ए ए किधर गया? हाँ तुम ये दूसरी बार ऊपर आ रहे हो, तीसरी बार मेरे ख्याल से तीसरी बार ही ना। ठीक है, बुलाता हूँ तुम्हारे साथी को। ए भगवान, क्या नाम बताया था? सर मैं तो भूल ही गया।